एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न फाइंड्स। अमेज़न से मैंने कुछ अमेजिंग से प्रोडक्ट्स को खरीदे हैं एंड उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जो पहला प्रोडक्ट है विच इज माई पर्सनल फेवरेट, विच इज दिस लव ब्यूटी एंड प्लैनेट शावर जेल। ये एक बॉडी वॉश है एंड मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसे इस्तेमाल करते हुए देखा था। मैंने इसे एक बार इस्तेमाल किया है एंड दिस इज सो गुड। ये आपके बॉडी को ना काफ़ी सॉफ्ट बनाता है, क्लीन करता है काफ़ी इजीली, लैदर भी इजीली हो जाता है एंड द फ्रेग्रेंस इज वेरी गुड। ये मैंने अपने वेडिंग के लिए ही बेसिकली परचेस किया है। सो मुझे एक अच्छा सा स्मेलिंग वाला कुछ बॉडी वॉश चाहिए था विद अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो कि पूरा दिन ही बॉडी में लिंगर करे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा एंड इट सर्व्स द पर्पस, क्योंकि इसके ये जो वेरिएंट है ना, ये है मुरुमुरु बटर एंड रोज वेरिएंट। इसके कई सारे और वनीला टाइप्स कुछ वेरिएंट है बट मुझे वनीला फ्रेग्रेंस उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे रोज़ एंड फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद आते हैं एंड दिस इज़ अमेजिंग। ये ना ज़्यादा रोज़ जैसा भी फ्रेग्रेंस इसका नहीं है, इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा अलग है। इसमें रोज़ का तो फ्रेग्रेंस है लेकिन उसके साथ एक हल्का सा कुछ और फ्रेग्रेंस है जिससे कि इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा मिक्स होके एकदम अलग से एक फ्रेग्रेंस लग रहा है। इस ब्रांड की खासियत जो है वो है कि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि जो मुरुमुरु बटर है वो नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल से बनाया गया है एंड दिस इज सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री, वीगन है, प्लांट बेस्ड क्लेंजर्स है इसमें, माइल्ड क्लेंजर्स है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड सल्फेट नहीं है इसके अंदर, कोई पैराबेन नहीं है, डाइस भी नहीं है एंड दिस इज पेटा अप्रूव्ड, वीगन है बिल्कुल। सो और इनफैक्ट इसका जो बॉटल है ना दैट इज ऑल्सो 100% मेड एंड इनफैक्ट जो बॉटल है ना दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम 100% रिसाइकल्ड प्लास्टिक। लव ब्यूटी प्लैनेट का ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने इस्तेमाल किया एंड मुझे तो ये बेस्ट लगा। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन, एटलीस्ट एक बार तो आप ट्राई करके देख ही सकते हैं अपना फेवरेट वेरियंट। नेक्स्ट आई हैव परचेज दिस प्लम टोनर। ये ग्रीन टी टोनर है, ये एक्चुअली टोनर नहीं है, ये फेस मिस्ट है एंड ग्रीन टी प्लम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों को भी पता है कि मैं प्लम के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ एंड उनका जो ग्रीन टी वेरियंट है पर्सनली मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि उससे मेरी स्किन पर कोई रिएक्शन नहीं होता एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट द ग्रीन टी वेरियंट। तो इसीलिए मुझे लगा ये ग्रीन टी फेस मिस्ट काफ़ी रिफ्रेशिंग होगा, स्किन पर कुछ भी हार्म भी नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। ऑल्सो मेरी वेडिंग के लिए आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस फेशियल मिस्ट, इसीलिए मैंने पैकेजिंग भी नहीं खोला है क्योंकि मैं इसे कैरी करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने निविया रोल ऑन लिया है। मैं हमेशा ही अमेज़न के वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस तरह के निविया रोल ऑन्स, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट हैव, ये बेस्ट अमेज़न फाइंड है क्योंकि ये जो निविया मेन वेरिएंट है ना, मुझे ये मेन वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसमें जो एक फ्रेश माइल्ड फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छा लगता है एंड विमेन जो वेरियंट है उसके कंपैरिजन पे ये ज़्यादा देर तक लास्ट करता है। तो मैंने निविया रोल ऑन्स बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंड उनका जो पहले मैं विमेन वेरिएंट इस्तेमाल करती थी उसके बाद आई हैव स्विच टू दिस मेन वेरिएंट। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि विमेन वेरिएंट में थोड़ा सा लास्टिंग पावर कम है एज़ कम्पेयर टू मेन वेरिएंट एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी माइल्ड एंड काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश सा फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेश एक्टिव है जो कि 48 आवर्स तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि ये कोई डीओ है या परफ्यूम है जो कि फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। ये आपके अंडर आर्म्स को ओडर फ्री रखता है। नेक्स्ट मैंने लिवॉन का ये डैमेज प्रोटेक्ट सिरम को इस बार परचेस किया है। मुझे बी ब्लंट का जो हीट प्रोटेक्टेंट है वो भी परचेस करना था बट फिर मैंने अमेज़न पर इसके रिव्यूज़ देखे एंड आई फेल इन लव विद दिस, क्योंकि इसके जो रिव्यूज़ थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड काफ़ी लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया है एंड दे लव्ड दिस प्रोडक्ट। तो मुझे लगा मुझे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो बी ब्लंट का जो हीट प्रोटेक्टेंट है, अगर किसी ने उसे इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे अपना इन एक्सपीरियंस शेयर करें। नेक्स्ट एक बॉडी स्प्रे है, ये है फॉग का बॉडी स्प्रे एंड फॉग का जो ब्लैक वाला बॉडी स्प्रे है ना वो भी मेरे पास है बट ब्लैक वाला थोड़ा सा माइल्ड वर्जन है और ये ना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड लाउड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो है। ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मुझे इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको ना ज़्यादा माइल्ड एंड ज़्यादा
एकदम हल्का सा फ्रेग्रेंस पसंद है, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू. ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है फ्रेग्रेंस, इसका फ्रेग्रेंस का काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर आपको ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फ्रेग्रेंस है. तो इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट कभी कभार किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हमें इस तरीके के स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस चाहिए होता है, तो उस पर्पज़ के लिए मैंने इसे खरीद के रखा है. नेक्स्ट एक मॉइस्चराइज़र मैंने ख़रीदा है, ये है वाव स्किन साइंस का कोकोनट मॉइस्चराइज़र. और इसकी पैकेजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है बट मुझे हीवी मॉइस्चराइजर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बट द मॉइस्चराइजर शुड कंटेन हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़. अगर आपकी स्किन ड्राई है एक्सट्रीमली तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. ऑयली स्किन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, बट दिस इज़ वेरी वेरी लाइट वेट, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है. ये मेरे पोर्स को ये क्लॉग नहीं करता, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ. एंड अगर आपको इस तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजर चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. अमेजन पर ये काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी. इसका फ्रेग्रेंस भी ना काफ़ी अच्छा है, एकदम चॉकलेटी सा कोकोनट जैसा इसका फ्रेग्रेंस है. So that's it for today's video. I hope this video was helpful for you all. अगर आप कोई भी product इनमें से purchase करना चाहते हैं तो description box को ज़रूर check करें, वहाँ पर मैंने links provide किए हैं. That's it for today's video. Thanks for watching. Bye.